मुझे लगता है इस अधिवेशन पर सभी कांग्रेसजनों की और देश की निगाह टिकी हुई है और एक महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर होगी और जो प्रस्ताव पारित होंगे आने वाली भावी राजनीति का यहाँ से बहुत कुछ उजागर होगा और सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा और पूरे देश के कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे। 15,000 कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पर आएंगे। कांग्रेस अधिवेशन हमेशा देश के राजनीति में बहुत एक अहम मोड़ साबित हुआ है और मुझे लगता है रायपुर का अधिवेशन जो होगा ये बहुत सार्थक साबित होगा और 2024 तक हम लोग कैसे NDA को पराजित कर पाएंगे उस विषय में बहुत सारी चर्चा यहाँ पर होगी। बड़ी चुनौती क्या रहेगी आपको लगता है 2024 के लिए? चुनौती देखो, सब जनता तक पहुँचना है और जो भाजपा की नाकामियाँ हैं वो हम लोगों को जनता तक पहुँचानी है, उसमें कांग्रेस पार्टी अग्रणी रहेगी और मुझे लगता है कि सहयोगियों के साथ हम लोग 24 का जो चुनाव है वो चुनौती देकर हम जीत सकते हैं। अभी राजस्थान का भी चुनाव होना है तो तीनों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी मुझे लगता है और हमारा ये उद्देश्य है कि अलग अलग राज्यों में, चाहे कर्नाटक हो चाहे बाकी उत्तर पूर्व के राज्य हों, राज्यों में कांग्रेस जीतेगी तभी हमें लगता है कि हम 24 के अंदर NDA को चुनौती देकर हरा पाएंगे। अच्छा, अधिवेशन के पहले जो ED के जो भारत सरकार ने मन बना लिया है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, राजनीतिक पराजय तो बाद की बात है लेकिन सब एजेंसीज का दुरुपयोग कर एक संदेश देना चाहते हैं, चाहे वो BBC के दफ्तर पर छापा मारना हो, चाहे कांग्रेस के लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार करना हो, ब्यूरोक्रेसी का, जुडिशरी का, एजेंसीज का, ED का जो दुरुपयोग और जो खुलेआम अब दुरुपयोग हो रहा है वो उनके घमंड और अहम का भी परिचय है, लेकिन जनता सब देख रही है सही समय पर लोग सही निर्णय करेंगे।